सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफिकेशंस विद मनोज और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में ना हम MP3 प्लेयर इंस्टॉलेशन करेंगे एक्टिवा में। तो ये MP3 प्लेयर एक्चुअली आप किसी भी बाइक में, स्कूटर में कर सकते हो। ओके, एक्टिवा हो, डियो हो, जुपिटर हो, पैशन प्रो हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, किसी भी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन करना एक्चुअली बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही वायर होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, सिर्फ दो वायर होता है, उतना ही खाली कनेक्ट करना है। और बाकी का मैं आपको सब अभी आपको दिखा दूंगा। और ये MP3 प्लेयर के अंदर क्या है ना, एक और चीज़ होता है कि इसमें इनबिल्ट एंटी थेफ्ट अलार्म होता है। तो दोनों कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। MP3 प्लेयर एंटी थेफ्ट कैसे यूज़ करना है, उसका वायरिंग कैसे करना है वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये दो MP3 प्लेयर है। ये वाला एक्चुअली मेरा पुराना वाला MP3 प्लेयर है, जो मैं काफ़ी टाइम से पहले यूज़ कर रहा था। इसका मैंने एक दो बार मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो अभी वापस से बना रहा हूँ, मतलब सारी डिटेल्स मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये जो MP3 प्लेयर है ना, ये है विदाउट ब्लूटूथ वाला है, और ये वाला जो है ये नया वाला है, ये विद ब्लूटूथ है। ओके, इंस्टॉलेशन तो मैं ये वाला करने वाला हूँ, लेकिन ये फिर भी आपको खाली कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों दिखाया। ओके, ये इसके दो स्पीकर आते हैं इसमें, ये दो पट्टी आती है इंस्टॉलेशन के लिए, रिमोट आता है। रिमोट के साइज़ शेप थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मॉडल के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फंक्शन सबका एक ही रहता है। रिमोट आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर रिमोट गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यूज़ करने के लिए। और दूसरा, इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, इंस्टॉलेशन किसी भी बाइक का और स्कूटर में कर सकते हैं, सबका इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब सेम है, खाली लगाना क्या, फिटिंग कैसे करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा। ओके, तो ये वाला आपको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो है विथ ब्लूटूथ वाला है ये। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ का लोगो है ये। ये विथ ब्लूटूथ वाला है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही आएगा, ये वायर्स आएंगे, ये दो स्पीकर्स आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये स्पीकर्स का आवाज़ एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। ओके, इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा है। और मैं एक्टिवा में ना आगे वाले नोज के, मतलब जो पैनल होता है आगे वाला, उसके अंदर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाए, हो गया। अब इसके अंदर जो वायर्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के सेम ही होते हैं। ओके, ये जो दो वायर आपको दिख रहा है, रेड और ब्लैक, ये दो वायर ही खाली कनेक्ट करना होता है और कुछ नहीं है। ओके, ये दो वायर ही कनेक्ट करना होता है। ये जो दो आपको दिख रहा है, ऐसा सॉकेट लगा हुआ है, ये दो स्पीकर का है, ठीक है। और ये जो दूसरे दो छोटे वायर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें से एक FM का है और एक रिमोट का एंटीना है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली ऐसे ही छोड़ देना उसको, ठीक है। तो ये हो गया। और ये इसका रिमोट है, इसका रिमोट ऐसा है, क्योंकि अलग अलग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग मॉडल का अलग अलग आता है। तो ये रिमोट ऐसा है, ये इसका रिमोट ये ऐसा है। कुछ गाड़ी, कुछ प्लेयर का रिमोट ऐसा कार शेप जैसा आता है, वो भी आता है, मतलब सबका अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये विथ ब्लूटूथ है, ये विदाउट ब्लूटूथ है, ठीक है। ये तो क्या यार, मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम ये डोंगल यूज़ करेंगे। ओके, ब्लूटूथ डोंगल, ब्लूटूथ डोंगल में दो टाइप के आते हैं। एक आता है यहाँ पे 3.5 mm वाला आता है, वो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये प्लेन वाला यूज़ करना है, ठीक है। ये इसका कॉस्टिंग अराउंड 100-150 रुपीज़ का आता है, तो ये आप इसमें यूज़ करोगे। और ये तो विद ब्लूटूथ है। अभी इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे है USB का है, यहाँ पे कार्ड रीडर है, ये मैनुअल बटन्स है यहाँ पे। ओके, और ये सॉकेट है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, यही मेन सॉकेट है, जो ये वायर जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, यही सॉकेट आपको यहाँ पे डालना है इसको। ओके, ये स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट के अंदर आपको ऐसा फिट करना है। तो ये हो गया। ओके, तो इसके अंदर दोनों में एंटी थेफ्ट दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। और ये वाला आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक एडिशनल यहाँ पे ऑक्स वायर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अंदर ऑक्स नहीं है, इसमें ऑक्स पिन दिया हुआ है। इसमें USB है, कार्ड रीडर है, और सेम यहाँ पे मैनुअल बटन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा कंट्रोल रिमोट से भी हो जाता है, इसके भी रिमोट से हो जाता है। ट्रैक आगे चले जाएगा, पीछे जाएगा, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेड वाला बटन तो दिख रहा है, ये मोड चेंज करने के लिए है, इसके अंदर ये वाला बटन है। ओके, ये मोड चेंज करने से मतलब क्या होता है, MP3 प्लेयर अगर आपका चल रहा है, वहाँ से आप एंटी थेफ्ट पे आपको मोड चेंज करना है तो वो हो जाएगा, FM पे आना है FM पे आ जाएगा, USB पे आना है USB पे हो जाता है। तो बटन दबाने से ना मोड चेंज हो जाता है, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और ट्रैक चेंज करने के लिए है, और ये प्ले और पॉज करने का बटन है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आपको
इसका स्पीकर इसको लगाते कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथ में ऐसी पट्टी आएगी आपको, ये दो, ओके, ये दो पट्टी आएगी, स्क्रू आएंगे और इसके अंदर भी दो पट्टी और दो स्क्रू होंगे इसमें भी। ये रहे, दो पट्टी दी हुई है और ये स्क्रूज है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसको एक्टिवा में हम कैसे लगाएंगे, ना पैनल के अंदर लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, पट्टी को हम इस तरह से पोजीशन पे लगाएंगे, ओके, ऐसा पोजीशन रहेगा ये, ऐसा देख लो, ऐसा पोजीशन पे पैनल के अंदर ये लगेगा, ओके। और अगर बाइक पे अगर आपको लगाना है तो इस तरह से फिट होगा, ऐसे मिरर पे फिट होगा, ये ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मिरर पे चली जाएगा, ओके, तो मिरर में फिट हो जाएगा ये, ओके। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये वाटरप्रूफ स्पीकर्स नहीं है ये, तो अगर आप स्कूटर में क्या है ना, पैनल के अंदर आप रख सकते हैं तो सेफ हो जाएगा। बाइक में क्या होगा ना, बाहर रखना पड़ेगा, तो आपको संभालना पड़ेगा कि पार्किंग में कहीं पे कोई डैमेज ना करे आपके स्पीकर्स को, कोई चोरी ना करे, तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, अभी मैं आपको इसका वायरिंग आपको दिखाता हूँ, वायरिंग कैसे करता हूँ ये आपको, उसको बाद में आपको ये स्टार्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो स्कूटर में अंदर लगाने के लिए ना इस तरह से पट्टी लगाना, ठीक है, जो पहले बताया था वैसे फिट नहीं होगा, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। और जो एक्टिवा का जो साइड पैनल है उसमें ऊपर से सेकंड स्क्रू पे ऐसा फिट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ऊपर से सेकंड स्क्रू पे फिट हो जाएगा साइड पैनल पे। तो एक्टिवा के अंदर पैनल में लगाने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। और बाइक में आपको है ना इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, तो ये मिरर पे फिट हो जाएगा, ये मिरर वाला जो होता है ना वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ओके, मिरर में इस तरह से ऐसा फिट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ, ओके, वायरिंग एक्चुअली करना बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया MP3 प्लेयर, ठीक है, और इसके दो वायर से यहाँ पे, एक पॉजिटिव हो गया और एक हो गया नेगेटिव, ठीक है। अभी अगर आपको एंटी थेफ्ट अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, इसमें ना एंटी थेफ्ट भी है, अगर आपको एंटी थेफ्ट अगर आपको यूज़ करना है ना, तो इस पर डायरेक्ट बैटरी पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बैटरी के ना टर्मिनल्स पे इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके, अगर आपको एंटी थेफ्ट यूज़ करना है तो। अगर आपको सिर्फ MP3 प्लेयर यूज़ करना है, एंटी थेफ्ट यूज़ नहीं करना है, तो इसको हम इग्निशन पे डालेंगे, ओके। तो इग्निशन पे कैसे डालेंगे ना, ये हो गया MP3 प्लेयर, ठीक है, तो ये इसका हो गया पॉजिटिव वायर और ये यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा डालेंगे, ऑन ऑफ स्विच हो जाएगी और ये डायरेक्ट आ जाएगा इग्निशन स्विच पे, जहाँ पे हम चाबी ऑन करते हैं उसके पीछे सॉकेट होता है, वहाँ पे इग्निशन स्विच पे डायरेक्ट डाल देंगे और माइनस वाला जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे डाल दो या तो किसी भी मेटल स्क्रू पे डाल दो। तो ये इस तरह से दो है, ये अगर आपको एंटी थेफ्ट यूज़ करना है तो डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ MP3 यूज़ करना है तो ये डायरेक्ट इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप एंटी थेफ्ट यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने चाबी निकाल दोगे ऑफ हो जाएगी, तो एंटी थेफ्ट आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अंदर आप एंटी थेफ्ट और MP3 दोनों यूज़ करोगे, आपको डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन करना पड़ेगा और वो भी सारा सिस्टम जो है रिमोट के, ये इससे मोड के बटन से चेंज होगा, मतलब एक बार आप प्रेस करोगे तो एंटी थेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो MP3 पे आ जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो FM पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है ना ये वाले सिस्टम में, कि अगर आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है और आपने चाबी ऑफ किया तो MP3 प्लेयर ऑफ हो जाएगा, चाबी ऑन करने के बाद वापस से MP3 प्लेयर ऑन होगा, लेकिन आपको फिर वापस आपको मोबाइल से ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, इसके अंदर आप एक किल स्विच आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, आप एक किल स्विच इंस्टॉल कर सकते हो और आपको इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है, इग्निशन कॉइल पे आप डाल सकते हो, ओके। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना हुआ है तो आप कर सकते हैं। किल स्विच लगाने से क्या होगा ना कि ये सिर्फ इंजन ऑफ होगा, पूरी गाड़ी की वायरिंग ऑफ नहीं हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ इंजन ऑफ हो जाएगा। और मैंने कुछ किल स्विच का वीडियो देखा है कि जो
इग्निशन स्विच वाला जो वायर होता है उसको कट करते हैं, अगर वो भी आप करोगे तो पूरा MP3 प्लेयर पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक किल स्विच का वीडियो बनाया था, मैंने उसमें मैंने बताया था कि मैं मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है जिसके वजह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यही ये रीज़न था कि मैंने इग्निशन कॉइल का वायर कट किया था ताकि मेरा MP3 प्लेयर बंद ना हो, वो चालू रहे भले मेरा इंजन ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, ये ऐसे करना है। अभी मैं आपको ये MP3 प्लेयर आपको चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला मेरा MP3 प्लेयर है, ओके। तो ब्लूटूथ यूज़ करने के लिए मैं ये ब्लूटूथ डोंगल में यूज़ करूँगा, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये डायरेक्ट अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। और इसमें जो वायर्स आपको दिख रहा है, ये जो दो ब्लू वायर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो पहले वाले में ब्लैक कलर का था, इसके अंदर ब्लू कलर का है। तो ये भी सेम है, एक FM का है और एक रिमोट का एंटीना है, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना है, वो साइड में ऐसे ही हम छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ओके, वो ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे दूसरे दो वायर्स आपको ये दिख रहा है, इसमें साथ में फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। नहीं भी होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है तो आप डाल सकते हैं, ओके। तो ये दो मेन वायर हो जाएगा, ओके। तो एक पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया था, इग्निशन पे डालो या तो बैटरी पे डालो, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दो जो दिख रहा है, ये स्पीकर का है। तो ये स्पीकर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्पीकर के साथ, इसको ये यहाँ पे और ये वाला, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये हमारा अभी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये ब्लूटूथ मेरा ऑन हुआ है, ठीक है। अभी इसका फिलहाल एंटी थेफ्ट नहीं है, मोड में नहीं है, ये MP3 प्लेयर वाले मोड में। तो हम क्या करेंगे, ये रिमोट का ये वाला बटन दबाएंगे, तो ये अभी एंटी थेफ्ट ऑन हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसको जैसे आप टच करेंगे तो एंटी थेफ्ट ऑन हो गया, ठीक है। अभी एंटी थेफ्ट मोड पे ऑन है, और इसका सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करना तो ये बटन से हो जाता है, ठीक है। सेम वो वाले प्लेयर में भी ऐसे ही है, ओके। अब मैं इसका मोड चेंज करूँगा तो ये अलग मोड में चले जाएगा, ये MP3 प्लेयर ऑफ हो चुका है, अभी ये ऑन हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लूटूथ के साथ अपने मोबाइल में हम कनेक्ट करेंगे इसको, ओके। तो ये यहाँ पे आ चुका है, देखिए ब्लूटूथ डोंगल दिखा रहा है ये, ठीक है। तो एक क्लिक करते, तो ये अभी पेयरिंग हो चुका है, ये कनेक्टेड यहाँ पे अभी आ चुका है लिख के, ठीक है, कनेक्टेड हो गया। तो अभी आपको एक सॉन्ग यहाँ पे प्ले करते हम, ओके, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करते हैं हम लोग एक। वॉल्यूम आप वॉल्यूम यहाँ से भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, ओके। वॉल्यूम चेंज करना यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कम हो गया, प्रेस करके रखना है, ये फुल हो गया, ठीक है। अब मैं मोबाइल से करता हूँ, ये इसका ऐसा है ना, इसका वॉल्यूम एक्चुअली बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एक्टिवा में पैनल के अंदर रखेंगे तो मतलब बहुत कम हो जाएगा, मतलब साउंड थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आएगा अच्छा आएगा, आजू बाजू वाले को भी सुनने में आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगा। और ये किसी भी बाइक और स्कूटर में आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, नीचे है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे लिख के दिया हुआ है। और प्लीज़ 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 प्लीज़
आधी रात को फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़, ओके। बाकी आपको दिन में आप फ़ोन कीजिए, मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ आधी रात को 12 बजे के बाद आप कॉल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं रात को 12 बजे के बाद, तो प्लीज़ मैं उसको एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ मैं उसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इंस्टॉलेशन कर दिया है, ऐसे कंपास बॉक्स मैंने लेके मैंने इसमें डाल दिया मैंने, ताकि करके पानी से थोड़ा बचेगा, और ये स्विच मैंने लगा दिया है, ऑन ऑफ स्विच एक, ठीक है। तो मतलब कभी अगर मुझे ऑफ़ करना है तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसको इग्निशन पे लिया है मैंने, ये जो रेड वाला वायर है उसको इग्निशन स्विच पे मैंने डाल दिया है मैंने, ओके। और ब्लैक वाला तो डायरेक्ट उसको ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और ये दो स्पीकर्स यहाँ पे डाल दिया है, एक लेफ़्ट में एक राइट में, यहाँ पे पैनल के पीछे इस पर डाल देना है इसको ऐसा, है ना। और ये केबल टाइप से उसको पूरा बांध देने का, अंदर ब्लूटूथ अंदर डाल दिया है। इसको ऑन करेंगे तो इसका लाइट ऑफ चालू हो जाएगा, देखो ये अपना प्लेयर अभी चालू हो जाएगा, मोबाइल से कनेक्ट करके डायरेक्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी ये म्यूज़िक प्लेयर अंदर मैंने डाल दिया है, ओके, अंदर इंस्टॉलेशन हो गया, तो अभी इसको प्ले करता हूँ अभी, वॉल्यूम ऊपर करता हूँ, अभी इतने वॉल्यूम पे ही इतना आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ भी अच्छा आ रहा है अभी, ओके, मतलब बाहर तक भी अच्छा आवाज़ आ रहा है, और आवाज़ वॉल्यूम इतना फुल भी नहीं है, फिर भी अच्छा आवाज़ आ रहा है, ओके। देखिए अभी फुल नहीं किया, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर से आवाज़ ऊपर अच्छा आ रहा है। इसको यहाँ से भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं, ओके। तो ये MP3 प्लेयर इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल है, ईजी है, सिर्फ दो वायर कनेक्शन करना है, और अगर आपको बाहर करना है तो आप मिरर पे कर सकते हैं, इधर मिरर पे मैं जो मैंने आपको अटैचमेंट दिखा था वैसा कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो सेफ्टी के लिए तो मैंने पैनल के अंदर ही इसको डाल दिया है, ओके। फ्रेंड्स, थैंक यू।